हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूँ लेटेक्स कोर्स के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले कि हमारे पास लेटेक्स डॉक्यूमेंट में प्रोग्राम या प्रोग्रामिंग कोड किस तरह से इंक्लूड करना है। अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड में हैं या अगर आप कोई बुक के ऑथर है और उस केस में आपके डॉक्यूमेंटेशन में अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग कोड इंक्लूड करने की ज़रूरत अगर है तो उस प्रोग्रामिंग कोड को किस तरह से इंक्लूड करेंगे ये इस वीडियो में हम देखेंगे। तो उसके लिए क्या किया है, मैंने एक आर्टिकल डॉक्यूमेंट क्लास बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं एक आर्टिकल डॉक्यूमेंट क्लास मैंने लिया हुआ है। आप अगर बुक टाइप सेट कर रहे हैं तो आप बुक डॉक्यूमेंट क्लास भी ले सकते हैं। ये जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल डॉक्यूमेंट क्लास, बुक डॉक्यूमेंट क्लास, रिपोर्ट डॉक्यूमेंट क्लास सबके लिए प्रॉपरली वर्क करेगा। तो अगर आपको कोड या प्रोग्रामिंग कोड अगर आपको इंक्लूड करना है तो आपको कुछ पैकेज इंक्लूड करना पड़ेगा और उस पैकेज का नाम है हमारे पास लिस्टिंग्स, यूज पैकेज लिस्टिंग्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आया हुआ है लिस्टिंग्स। तो कोई भी कोड किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो ये लिस्टिंग्स पैकेज जो है वो अप्रोक्सीमेटली आपके 90 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है, जो वर्ल्ड में अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे C++, जावा, ओरेकल, HTML, PHP, CSS, ठीक है, पाइथन, लाइक दिस, VSDL, वेरीलॉग, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो सारे के सारे लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले इंक्लूड करना पड़ेगा पैकेज लिस्टिंग्स। अगर आपको जो प्रोग्राम्स जो आप इंक्लूड करना चाहते हैं उसको थोड़ा सा कलरफुल अगर आप बनाना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कलर्स यूज करना है तो आपको पैकेज यूज करना पड़ेगा Xcolor। Xcolor पैकेज यूज करते हो तो आप कलर के साथ खेल सकते हो। तो ये दो पैकेजेस आपको इंक्लूड करना है। अभी ये दो पैकेजेस इंक्लूड करने के बाद हम देखेंगे कि और इसमें क्या कर सकते हैं। डायरेक्टली हम प्रोग्राम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं या आपके पास अगर प्रोग्राम किसी फाइल में अगर स्टोर्ड है तो वो फाइल भी आप इंक्लूड कर सकते हो। तो मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से किस तरह से आपका प्रोग्रामिंग कोड टाइप सेट करना है ये आपको बताऊंगा। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको एक स्टाइल डिफाइन करना है, लिस्टिंग स्टाइल आपको डिफाइन करना है। तो लिस्टिंग स्टाइल डिफाइन करने के लिए, और ये जो लिस्टिंग स्टाइल डिफाइन आपको सिर्फ एक बार करना है, बार बार नहीं करना है, आप अलग अलग डॉक्यूमेंट में सेम लिस्टिंग स्टाइल आप यूज कर सकते हो। तो इसलिए एक बार इसको प्रॉपर तरीके से समझ लेना है और यही फिर स्टाइल आप कॉपी या पेस्ट दूसरे फाइल में भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक कमांड लेना है प्रीएम्बल में, दैट इज LST, दैट इज लिस्टिंग, ठीक है, डिफाइन स्टाइल, एक नया स्टाइल, मेरे हिसाब से मैं एक स्टाइल या कलर्स उसमें मैं डिफाइन करूंगा, ठीक है। तो LST डिफाइन स्टाइल, एक मैं स्टाइल डिफाइन करूंगा। मुझे कोड, प्रोग्रामिंग कोड है तो इसलिए मैं यहाँ पे नाम देता हूँ उसका कोड। आप कोई भी दूसरा नाम दे सकते हैं, आप प्रोग्राम दे सकते हो, ठीक है, या कोई भी दूसरा, या माई स्टाइल नाम दे सकते हो, कोई भी दूसरा नाम दे सकते हो। तो मुझे कोडिंग के लिए है इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोड, और एक कर्ली ब्रेसेस और लिख देता हूँ, और इस कर्ली ब्रेसेस के अंडर में मुझे स्टाइल सेट करना है। तो जो भी मैं प्रोग्रामिंग कोड लिखूंगा उसका बैकग्राउंड कलर क्या आना चाहिए, तो वहां पे मैं लिखूंगा कमांड बैकग्राउंड। ये ऑप्शन है हमारे पास, बैकग्राउंड कलर एंड दैट इज इक्वल्स टू, अभी ये बैकग्राउंड का कलर मुझे क्या रखना है, तो जनरली मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ, कलर मैं डिफाइन कर लेता हूँ, ग्रे कलर लेता हूँ या ब्लैक ले लेता हूँ विथ 10% ट्रांसपेरेंसी, यानी ग्रे टाइप आएगा ये थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद कॉमा, देखिए दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, पहले बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी मैंने सेट किया है, दूसरी प्रॉपर्टी सेट कर लेता हूँ, जो आपके प्रोग्राम्स में कमेंट रहते हैं, राइट, तो कमेंट स्टाइल, कमेंट का स्टाइल उसका कलर क्या रहना चाहिए ये मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो कमेंट का कलर अगर मैं लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल ग्रीन, अब ये कौन से कलर लेना है कैसे समझ में आएगा आप लोगों को, कि जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग करते हो किसी एडिटर में, तो एडिटर आपका ऑटोमेटिकली अगर कोई कीवर्ड्स है, ठीक है, या कोई कमेंट है, या आपके उस प्रोग्राम में कोई स्ट्रिंग है या नंबर्स है, तो उनका कलर्स अलग अलग कलर्स दे देता है, तो वो कलर आप वहां से रेफर कर सकते हो। मैं रैंडमली कोई भी कलर देता हूँ, जैसे कि बैकग्राउंड के लिए मैंने ग्रे कलर लिया है, ब्लैक विथ 10% ट्रांसपेरेंसी, कमेंट के लिए मैं ग्रीन कलर लेता हूँ, जैसे कि पाइथन
या VSDL में जो कमेंट रहते हैं वो ग्रीन कलर से आते हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग कलर सेट, आप पहले प्रोग्रामिंग को रेफर कर दीजिए किस तरह के कलर्स आते हैं और उसी तरह के कलर्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर कमेंट के लिए अगर आपके एडिटर में अगर रेड कलर आता है तो उसके लिए आप रेड कलर सेट कर सकते हो, ग्रीन कलर आता है तो ग्रीन कर सकते हो, अगर ब्लू आता है तो आप ब्लू कलर सेट कर सकते हो। तो कमेंट स्टाइल में ले लेता हूँ ग्रीन, यानी मेरे सारे कमेंट्स जो रहेंगे प्रोग्राम के वो ग्रीन कलर में आ जाएंगे। उसके बाद में मैं ले लेता हूँ दैट इज कीवर्ड स्टाइल, कीवर्ड स्टाइल, कीवर्ड कौन कौन से कलर्स में आएंगे आपके, ठीक है। तो उसके लिए लेता हूँ मैं कीवर्ड स्टाइल, कीवर्ड स्टाइल का कलर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कीवर्ड का कलर मैं लेता हूँ सपोज रेड, राइट। आप दूसरे भी कलर्स यूज कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद में लेता हूं मैं नंबर स्टाइल। अब ये नंबर स्टाइल, अगर मुझे प्रोग्रामिंग के आगे अगर मुझे कुछ नंबर्स, लाइन नंबर्स अगर दे रहा है 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस, ठीक है, तो मुझे नंबर स्टाइल इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आपको नंबर स्टाइल इंक्लूड नहीं करना है तो आपको ये लाइन को डिलीट करना पड़ेगा। पहले मैं सारे ऑप्शंस आप लोगों को बता देता हूं, उसके बाद में आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो नंबर स्टाइल को इस तरह से देना है, फॉर एग्जाम्पल वो जो नंबर्स आते हैं लाइन नंबर्स, उसका साइज मैं बहुत ही छोटा रख देता हूँ और उसका कलर भी आप दे सकते हो, ठीक है। उसका कलर देता हूं मैं सपोज ग्रे, ग्रे कलर ले लेता हूं, फिर कॉमा देता हूं, नेक्स्ट ऑप्शन मैं सेट कर देता हूं अभी स्ट्रिंग स्टाइल, जो स्ट्रिंग आएगा, ठीक है, यानी जो हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं या कैरेक्टर्स लिखते हैं हम, ठीक है, प्रोग्रामिंग में, उसका स्टाइल आपको सेट करना है। उसका कलर मैं सेट कर देता हूं, उसके लिए मैं स्ट्रिंग स्टाइल के लिए कलर लेता हूं फॉर एग्जाम्पल ब्लू, ठीक है। उसके बाद में लेते हैं हम बेसिक स्टाइल, आपका जो प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, उसका स्टाइल किस तरह से रहना चाहिए आपका, उसका फॉन्ट किस तरह से रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं टाइपराइटर फॉन्ट अगर लेता हूँ, टीटी फैमिली वाला फॉन्ट ले लेता हूँ, ठीक है, टीटी फैमिली है, एसएल फैमिली है, इस तरह के अलग अलग फैमिलीज है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो टीटी फैमिली का फॉन्ट लेता हूँ और साइज जो है हमारे पास प्रोग्राम का वो आप स्क्रिप्ट साइज, नॉर्मल साइज या टाइनी, बहुत छोटा हो जाएगा आपके लिए, फुट नोट साइज आप यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ स्मॉल साइज सपोज, ठीक है, आप दूसरे साइजेस भी आप यूज कर सकते हो। उसके बाद ब्रेक वाइट स्पेसेस, ब्रेक एट वाइट स्पेसेस, ठीक है, इसको आपको रखना है फॉल्स, इसको ट्रू करते हैं तो क्या चेंजेस आएगा हम देखेंगे। ब्रेक एट वाइट स्पेसेस यानी वाइट स्पेसेस अगर है तो वहां पे ब्रेक देना है या नहीं देना है, ठीक है, तो हम उसमें ब्रेक नहीं देंगे। देन उसके बाद में लिखेंगे हम ब्रेक लाइंस, ब्रेक लाइंस इज इक्वल टू ट्रू। अगर आपका प्रोग्राम में कोई लाइन है जो बहुत ही लंबी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको ब्रेक देना है या नहीं, अगर देना है तो ट्रू लिखिए, नहीं देना है तो फॉल्स लिखिए। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको ट्रू देना है, अगर फॉल्स रखते हो तो पेज के बाहर जाएगा, तो इसलिए उसको रखना है आपको ट्रू, ठीक है। जैसे ही लाइन पेज के बाहर जाती है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कैप्शन का पोजीशन, कैप्शन पॉस, ठीक है, एक तो यहाँ पे दो ऑप्शन, एक तो टॉप या बॉटम, आपको टॉप पे अगर देना है तो टी दीजिए, बॉटम में अगर देना है तो आप बी दे सकते हैं। तो मैं इसको टॉप में रखता हूँ फिलहाल, यानी जो हम नाम देंगे उस प्रोग्राम को, उस वो जो नाम है उस प्रोग्राम के ऊपर आएगा। उसके बाद में कीप स्पेसेस, आप सारे ऑप्शंस यूज करना चाहिए जरूरी नहीं है, लेकिन मैं मैक्सिमम ऑप्शन आप लोगों को बता देता हूँ। स्पेसेस रखना है या नहीं रखना है, लाइंस के बीच के जो स्पेसेस है उसको आपको रखना है या नहीं रखना है, तो मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, ठीक है, मुझे स्पेसेस रखना है। उसके बाद में नंबर्स, जो हम नंबर दे रहे हैं, राइट, 1 2 3 4 लाइन नंबर दे रहे हैं, वो लेफ्ट को चाहिए या राइट को चाहिए। तो मैक्सिमम प्रोग्रामिंग में अगर आप देखते हो तो जो नंबर्स है वो लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, इसलिए मैं इसको लेफ्ट लिखूंगा। अगर आपको राइट में रखना है तो आप इसमें राइट लिख सकते हो। उसके बाद में नंबर सेपरेशन, नंबर सेप, नंबर का सेपरेशन, अभी नंबर्स और आपके जो प्रोग्रामिंग के कमांड्स है उसके बीच में कितना सेपरेशन रहना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर 10 पॉइंट लिख देता हूँ, 10 पॉइंट, ठीक है, इसको चेंज करके देखेंगे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में नंबर सेपरेशन के बाद में आपको देना है शो स्पेसेस, शो स्पेसेस, इसमें रखना है आपको फॉल्स, इसको ट्रू करते हैं तो क्या दिखेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा।
जब भी प्रोग्रामिंग में आप सिंगल स्पेस डबल स्पेस अगर देते हो तो उसके लिए आपके ऐसे एक अंडरलाइन टाइप एक कैरेक्टर आता है और जो आपके आउटपुट में दिखने में अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए शो स्पेसेस को हमेशा आपको फॉल्स रखना है। ट्रू करके भी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में कि क्या फर्क पड़ेगा। उसके बाद में शो स्ट्रिंग स्पेसेस, जो स्ट्रिंग लिखते हैं उसमें स्पेसेस आपको चाहिए या नहीं चाहिए, तो हमको वो भी नहीं चाहिए, उसको भी हम फॉल्स रखेंगे। देन टैब साइज, अगर आपको एक टैब देते हो तो टैब साइज कितना रखना है आपको, 2 रखना है, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन रूल, अगर आप जो प्रोग्राम लिखते हो उसके ऊपर या नीचे या उसके अराउंड अगर कोई बॉक्स अगर आपको चाहिए तो उसका कलर क्या रहना चाहिए, तो रूल कलर यहाँ पे देता हूँ मैं। रूल कलर इज इक्वल्स टू कलर, देने के लिए कमांड है मेरे पास कलर। रूल का कलर अगर मैं ऑरेंज अगर देता हूँ सपोज, ठीक है, देन कॉमा, देन उसके बाद में फ्रेम, फ्रेम इज इक्वल्स, उस कोड को फ्रेम किस तरह का देना है आपको, ठीक है, चारों साइड से देना है या एक ही साइड से देना है या टॉप में और बॉटम में देना है, अलग अलग ऑप्शंस हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास लेफ्ट साइड को अगर देना है तो मैं यहाँ पे देखूंगा लेफ्ट लाइन सिर्फ लेफ्ट साइड को आएगा, ठीक है। अगर टॉप में अगर देना है तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा टॉप लाइन, अगर मुझे बॉटम में अगर देना है तो मुझे लिखना पड़ेगा बॉटम लाइन, तो इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं। अगर लाइंस अगर मैं लिखता हूँ, सिंपली लाइंस अगर लिखता हूँ तो टॉप और बॉटम में आएगा, लाइंस के जगह अगर मैं सिंगल अगर लिख देता हूँ तो चारों साइड में बाउंड्री बॉक्स आएगा, यहाँ पे शैडो बॉक्स है, मैं शैडो बॉक्स रख देता हूँ, अलग अलग ऑप्शंस। इन सभी का फ्रेम को ऑप्शंस का लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से रेफर कर सकते हैं। इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये आप अच्छी तरह से नोट डाउन करके रख सकते हैं और किसी फाइल में इसको स्टोर करके रखिए, और ये जब भी आपको प्रोग्राम इंक्लूड करने की जरूरत पड़ती है प्रोग्राम में, ये वाला पूरा जो पोर्शन है ये पूरा पोर्शन आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं उस नए फाइल में, ठीक है। ये एक बार डिफाइन करने के बाद, यहाँ पे मैंने स्टाइल डिफाइन कर दिया है, स्टाइल डिफाइन करने के बाद मुझे इसको यूज कर देना है, तो इसलिए क्या करेंगे हम LST सेट, ठीक है, इसको हमको सेट करना है। और कौन सा मैंने नाम दिया है कोड, यानी मेरे डॉक्यूमेंट में जितने भी मेरे पास कोड्स आएंगे, प्रोग्रामिंग कोड्स आएंगे, उसके लिए मैं स्टाइल यूज करूंगा कोड, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है LST सेट कोड। और इसके बाद में अभी हमारे पास बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के बीच में हम प्रोग्राम लिखना है और प्रोग्राम के साथ कुछ टेक्स्ट भी हम लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ पहले lipsum.com से, फॉर एग्जांपल ये इतना टेक्स्ट है मेरे पास, और यहाँ से अगर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, टेक्स्ट लिया हुआ है, फिलहाल कोई भी कोड नहीं लिखा हुआ है। अभी कोड लिखने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, तो कोड लिखने के लिए आपको शुरुआत करनी है कमांड, मैं यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है, मैं पहला मेथड आपको फिलहाल यहाँ पे दिखा देता हूँ, सेकंड मेथड जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर मुझे डायरेक्टली टाइप करना है प्रोग्राम यहाँ पे, ठीक है, तो उसके लिए मेथड क्या है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, बिगिन लिस्टिंग्स लिखना है, ठीक है, बिगिन लिस्टिंग, बिगिन लिस्टिंग ये कमांड यूज कर देना है, और उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट में नॉट लिस्टिंग बिगिन LST लिस्टिंग, बिगिन LST लिस्टिंग, तो इसको एंड LST, मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूं, / बिगिन LST लिस्टिंग, ये देखिए आया हुआ है बिगिन LST लिस्टिंग, और कुछ वैल्यूज अगर मुझे देना है। अभी ये जो प्रोग्राम लिखने वाला हूँ वो प्रोग्राम कौन सी लैंग्वेज का है, तो ये मुझे पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ये मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसके हिसाब से हमारे पास कीवर्ड्स के कलर, कमेंट के कलर, वो हमारे पास चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज फॉर एग्जांपल मैं VSDL का एक कोड है मेरे पास, ठीक है, VSDL लैंग्वेज का कोड है, मैं वही कोड यहाँ पे लिख लूंगा। तो लैंग्वेज देता हूँ मैं VSDL, और यहाँ पे आपको कैप्शन देना है, ठीक है, यानी उस कोड को आपको नाम देना है, तो कैप्शन इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल लेता हूं मैं यहाँ पे VHDL कोड, और फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोड कौन सा अवेलेबल है, जस्ट मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे एक फाइल है मेरे पास, यहाँ पे डिकोडर का कोड अवेलेबल है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है,
कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट स्टूडियो में मैं इसको पेस्ट कर, ये थे ESDL कोड फॉर डिकोडर ऐसे नाम देता हूँ। आपके प्रोग्राम का जो भी नाम है आप दे सकते हो और यहाँ पे ये प्रोग्राम मुझे पेस्ट करना है। अब टाइप करने के लिए बहुत समय जाएगा इसलिए मैं डायरेक्टली जिस फाइल में मेरे पास कोड अवेलेबल है वहाँ से ये लेता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक कोड लिया हुआ है बिगिन LSD लिस्टिंग और एंड LSD लिस्टिंग के बीच में, ठीक है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ फिर से एक बार, ये आप देख सकते हैं किस तरह से सिंटैक्स मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ये प्रोग्राम मैंने लिया, इसमें कुछ कमेंट्स है, कमेंट्स मैंने नहीं डाला हुआ है तो फिलहाल मैं यहाँ पे कमेंट ऐड कर देता हूँ। सपोज़ ये मेरे पास एंटिटी पार्ट है, VSDL में कमेंट के लिए डबल डैश दिया जाता है और ये हमारे पास आर्किटेक्चर पार्ट है इसलिए मैं इसको डबल डैश आर्किटेक्चर पार्ट इस तरह से देता हूँ। आपको जिस लैंग्वेज का नॉलेज होगा, जो भी प्रोग्रामिंग कोड आप यूज़ करते हो वो उस कोड के ऊपर आप टेस्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं, मुझे VSDL का नॉलेज है तो मैंने VSDL का प्रोग्राम यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। तो इतना कर सकते हैं आप कि कोड इंक्लूड करने के लिए। अभी क्या करते हैं हम, चलिए बिल्ड एंड व्यू करके देखते हैं और देखते हैं हमारे पास कि आउटपुट PDF किस तरह से आपको मिलता है। यहाँ पे कुछ एरर्स आए हुए हैं, चलिए मैं एक प्रोग्राम में ही गड़बड़ है इसलिए मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, दूसरा प्रोग्राम मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। चलिए मेरे पास और एक प्रोग्राम है एंड गेट का प्रोग्राम है, इसको ले लेता हूँ मैं और सी कर देता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे उस लैंग्वेज में जो प्रॉपरली टाइप सेट नहीं किया है इसलिए वजह से वो एरर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इनवैलिड UTF-8 byte sequence, ठीक है। ये डबल कोटेशन मार्क्स वगैरह प्रॉपरली नहीं थे इसलिए यहाँ पे एरर्स आए हुए हैं, ठीक है। तो आप उसमें करेक्शंस कर सकते हैं लेकिन अभी उसको करेक्ट करने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो, इसलिए मैं ये दूसरा कोड यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने दूसरा कोड लिया हुआ है दैट इज़ एंड गेट के लिए, ठीक है। अभी इसको बिल्ड एंड व्यू करके देखते हैं और आप देखेंगे कि थ्योरी के साथ साथ हमारे पास फिर से यहाँ पे एरर आया हुआ LST सेट कोड, अच्छा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कर्ली ब्रेसेस आया हुआ है इसलिए एरर है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर से बिल्ड एंड व्यू कर देते हैं, यस, तो यहाँ पे फिर से एक एरर आ चुका है और ये एरर दिया हुआ मेरे पास लाइन नंबर 34 में, यानी इस लाइन में जो हाईलाइटेड लाइन है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको स्टाइल इज इक्वल्स टू कोड, यानी मुझे कौन सा स्टाइल से लिस्टिंग का कौन सा स्टाइल सेट करना है, कोड वाला स्टाइल जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। अगर इसके अलावा मैं कोई दूसरा नाम अगर देता हूँ तो ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिलहाल ये एग्जीक्यूट तो हो चुका है प्रोग्राम लेकिन इसका प्रॉपर कलरिंग वगैरह नहीं हुआ है। प्रोग्राम तो इंक्लूड किया गया है, जो प्रोग्राम हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये प्रोग्राम यहाँ पे इंक्लूड हो गया है लेकिन ये प्रॉपर तरीके से टाइप सेट नहीं हुआ है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे एरर आया हुआ है उसका फॉर्मेट मैं ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे स्टाइल इज इक्वल्स टू कोड, यानी कोड जो स्टाइल मैंने बनाया है वो कोड स्टाइल मुझे यूज़ करना है। अभी फिर से मैं इसको बिल्ड एंड व्यू करके दिखाता हूँ तो आप देखेंगे कि प्रॉपर तरीके से ये प्रोग्राम टाइप सेट होके आ गया। मैं आपको एक्सपांडेड व्यू में दिखा देता हूँ, हमने कुछ टेक्स्ट पहले ऐड किया था, देखिए कैप्शन पोजीशन हमने टॉप पे डाला था इसलिए टॉप पे आया हुआ है, बैकग्राउंड कलर हमने ब्लैक लिया था 10% ट्रांसपेरेंसी, कीवर्ड्स के लिए रेड कलर लिया था, कमेंट के लिए ग्रीन कलर लिया था इसलिए ग्रीन कलर आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो बाकी जो हमने जो यूज़र डिफाइंड जो रहता है वो ब्लैक कलर में आया हुआ है। अगर आप यहाँ पे कोई स्ट्रिंग वगैरह यूज़ करते हो तो स्ट्रिंग के लिए ब्लू कलर वगैरह यूज़ किया था तो ब्लू कलर वगैरह यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको कुछ चेंजेस करके दिखाता हूँ, देखिए कैप्शन पोजिशन में टॉप या बॉटम पर अगर करता हूँ और इसको मैं बिल्ड एंड व्यू करके दिखाता हूँ तो आप देखेंगे कि जो कैप्शन रहेगा वो कैप्शन हमारे पास नीचे के साइड में आएगा, ठीक है। कुछ बातें यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि यहाँ पे कीप स्पेसेस दिया हुआ है, ठीक है, शो स्पेसेस को अगर मैं ट्रू कर देता हूँ, आप देख सकते हैं शो स्पेसेस को अगर मैं ट्रू कर देता हूँ और इसको बिल्ड एंड व्यू करके दिखाता हूँ तो आप देखेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस आएगा। देखिए मैं आपको एक्सपांडेड व्यू में दिखाता हूँ तो देखिए ये दो एंटिटी और एंड गेट के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे कप टाइप स्ट्रक्चर आया हुआ है, सिम्बॉल आया हुआ है और ये देखने में अच्छा नहीं दिखता है, इसलिए शो स्पेसिस को आपको क्या करना है, आपको फॉल्स रखना है। ये शो स्पेसिस को अगर मैं फॉल्स रख देता हूँ तो ये इस तरह का जो सिम्बॉल है उस तरह का सिम्बॉल यहाँ पे नहीं आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी वो जो सिम्बॉल्स थे वो सिम्बॉल जा चुके हैं।
और ये जो बॉक्स है, ये शेडो बॉक्स दिया था मैंने, यहाँ पे ऑप्शन दिया था, आप देख सकते हैं फ्रेम इज इक्वल टू शेडो बॉक्स, तो ये शेडो बॉक्स के समान ये इसके अराउंड बॉक्स आपका बन गया है। ये ऑरेंज कलर का हमने बॉर्डर दिया था, इसको आप चेंज कर सकते हो। देखिए रूल कलर ऑरेंज दिया था यहाँ पे, आप देख सकते हो रूल कलर ऑरेंज के जगह अगर मैं यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ तो ये कलर्स फ्रेम का जो कलर है वो फ्रेम का कलर चेंज हो जाएगा ब्लू, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आप अलग अलग ऑप्शंस चेंज करके आप देख सकते हैं और प्रॉपर तरीके से आप कोड को हाईलाइट कर सकते हैं। तो देखिए मैं कुछ यहाँ पे शेडो बॉक्स की जगह अगर मैं टॉप लाइन अगर यूज कर लेता हूँ और इसको मैं आपको बिल्ड एंड व्यू करता हूँ तो आप देखेंगे कि सिर्फ आपके टॉप लाइन्स आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ टॉप लाइन आई हुई है, जो कि पहले के हमारे पास शेडो बॉक्स था तो प्रॉपर दिखता था, अभी यहाँ पे सिर्फ टॉप लाइन आई हुई है। तो आप प्रॉपर तरीके से इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, कलर्स आप चेंज करके देख सकते हो, और जिस तरह से आपके प्रोग्रामिंग में कलर्स रहते हैं, कोड में कलर रह सकते हैं, उस तरह का कलर आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ध्यान रखिए। तो ये इस तरह से आपको प्रोग्राम आपको इंक्लूड करना है आपके आर्टिकल डॉक्यूमेंट क्लास, बुक डॉक्यूमेंट क्लास या रिपोर्ट डॉक्यूमेंट क्लास में। तो होप आप लोगों को ये जो स्टाइल सेट करना और प्रोग्राम को किस तरह से टाइप सेट करना, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको अगर आपको नहीं समझा है तो वीडियो फिर से एक बार देखिए, इसको आप पॉज करके देख सकते हैं, और इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी ये ध्यान में रहेगा। और ये कब ज़रूरत है कि जब आपके पास कोई प्रोग्राम है तभी, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।